हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। महाराणा प्रताप चौक पार करने के बाद इस वक्त मैं हूँ नेशनल हाईवे 130 पे। नेशनल हाईवे 130 बिलासपुर रायपुर को कनेक्ट करता है, तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिलासपुर रायपुर हाईवे को। दोस्तों, यहाँ से कुछ ही दूरी के बाद से हम 4 लेन में कनेक्ट होंगे। इस वक्त जिस रोड में हम चल रहे हैं उसी रोड में लेफ्ट साइड में आपको पूरे कार के शोरूम्स मिल जाएंगे। सामने ही आप अशोक लीलैंड और टाटा मोटर्स का शोरूम देख सकते हैं। इसके पहले हमने किया मोटर्स का शोरूम भी देखा था जो इसी रोड पे है। इसी रोड पर आपको राइट साइड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट भी मिलेगा। इस वक्त अब हम चकरभाटा पहुंच चुके हैं, यहीं आपको हवाई पट्टी भी मिलेगा। हाईवे पे आप नीली पट्टी में ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसी हाईवे पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम 4 लेन में कनेक्ट होने वाले हैं। सामने आप बोर्ड में देख सकते हैं कि रायपुर जाने के लिए हमको राइट साइड मुड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम 4 लेन में कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से सिमगा 57 किलोमीटर और यहाँ से रायपुर 105 किलोमीटर है। जैसा कि सामने आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमें टोल गेट मिलने वाला है। सामने ही आप ये टोल प्लाजा देख सकते हैं। इस हाईवे का यूज करने के लिए आपको टोल प्लाजा में रुककर कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अगर आपके कार में फास्टैग का कार्ड है तो यह पेमेंट बहुत ही आसान हो जाता है। इस टोल प्लाजा में मेरे अकाउंट से 80 रुपीज़ डिडक्ट हुए हैं। अब यहाँ से रायपुर 97 किलोमीटर्स हैं। इसी हाईवे पे आपको छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध स्थल मदकू द्वीप और देवरानी जेठानी मंदिर जैसे स्थल आपको मिलेंगे। बिलासपुर से जो मदकू द्वीप की दूरी है वो 40 से 42 किलोमीटर है। सामने आप बोर्ड में देख सकते हैं, यहाँ से रायपुर अब 64 किलोमीटर है।
यह हाईवे बहुत ही खूबसूरत है और वेल मेंटेन्ड है। सिमगा पार करने के बाद लगभग अब हम 6 लेन में कनेक्ट हो चुके हैं। इस वक्त मेरी कार की स्पीड 100 km/h है। यह इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है कि यहाँ आप अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में चला सकते हैं। यह हाईवे अच्छा मेंटेन होने की वजह से आप बिलासपुर से रायपुर तक की दूरी मात्र 2 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ अब हम रायपुर सिटी में कनेक्ट होने वाले हैं। सामने आप देख सकते हैं कि अब हम रायपुर सिटी में एंटर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जगह के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।